शो गुम है किसी के प्यार में अभी तक आपने देखा कि सभी अपनी शादी से भागकर ईशा मैम के घर आ जाती है। अब ईशा मैम सभी के लिए आगे का रास्ता तय करेंगी। अब शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ईशा मैम के घर के बाहर समृद्ध और उसके परिवार के लोग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी ईशा मैम के साथ घर के पीछे वाली खिड़की से भाग जाती है। वह दोनों सीधा बस स्टैंड पर जाते हैं और सभी नागपुर की बस में बैठ जाती है। सभी ईशा मैम को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मैम ऐसा नहीं करती हैं। वहीं बस में बैठने के बाद सभी को अपने परिवार और माँ पापा की याद आती है। इस मौके पर वह ठान लेती है कि जल्द ही अपनी भवानी आजी को चौहान हाउस दिलाकर रहेगी। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि सभी नागपुर पहुंच जाती है और यहाँ पर आते ही वह लोगों से भोसले इंस्टीट्यूट का रास्ता पूछती है। तभी उस पर दो लड़कों की नजर पड़ जाती है। वह दोनों सभी को मदद करने के बहाने उसे एक ऑटो में बैठा लेते हैं और उसे भोसले इंस्टीट्यूट तक छोड़ने की बात करते हैं। हालांकि सभी रास्ते में समझ जाती है कि वह किसी परेशानी में है। तभी वह नाटक करते हुए फोन पर बात करती है और ऐसे दिखाती है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद वह दोनों लड़के ऑटो से निकलकर भाग जाते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आगे देखने को मिलेगा कि सभी उस ऑटो वाले को भोसले इंस्टीट्यूट चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ईशान ऑफिस में बैठकर रीवा को याद करता है। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखने को मिलता है। अब कहानी में आगे ट्विस्ट आएगा। सभी और ईशान के कंधे पर एक ही समय पर एक फूल आकर गिरता है, जिसके बाद उन दोनों के आसपास मौजूद लोग उन्हें बताते हैं कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।